नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है एक नए कार्यक्रम मिरेकलस टच में। इस कार्यक्रम में हम मिलेंगे डॉक्टर जतिन चौधरी से, जो एक विश्व के जाने माने फिजियोथेरेपिस्ट हैं और किंग्स 11 पंजाब आईपीएल टीम के फिजियोथेरेपिस्ट हैं। इसके अलावा ये व्यक्तिगत तौर पे प्रीति जिंटा, युवराज सिंह, सचिन तेंदुलकर, शाहरुख खान और टाइगर वुड्स के भी फिजियोथेरेपिस्ट हैं। हम आज इनसे जानेंगे कि ये इस मुकाम पे कैसे पहुँचे, इनके पीछे प्रसिद्धि का क्या राज है, क्या छिपा हुआ है कि ये दूसरे फिजियोथेरेपिस्ट से भिन्न है और किस तरह से इनकी फिजियोथेरेपी दूसरों से भिन्न है जो इनको इस मुकाम तक लेके आई है। चलिए स्वागत करते हैं डॉक्टर जतिन जी का। डॉक्टर जतिन, आपका स्वागत है स्टूडियो में। नमस्कार डॉक्टर जतिन, जैसे कि आपका काफ़ी समय से देखते आ रहे हैं, न्यूज़पेपर्स में भी पढ़ते हैं, न्यूज़ में भी आता है कि आपने इतने अच्छे सानिया मिर्जा, सचिन तेंदुलकर, युवराज सिंह, इनकी फिजियोथेरेपी से जो इनकी चोट थी जो कि ठीक नहीं हो पा रही थी, जिसकी वजह से टीम में नहीं आ पा रहे थे, उनको भी आपने ठीक किया जो कि और लोग नहीं कर पा रहे थे। तो ऐसा क्या आपकी फिजियोथेरेपी में है? देखिए, जो मेरा ट्रीटमेंट का प्रोसीजर है वो मैं 5 थेरेपी कॉम्बिनेशन से करता हूँ। उसमें फिजियोथेरेपी, ऑस्टियोपैथी, एक्वापंचर, एक्वाप्रेशर और स्पायरल थेरेपी इन्वॉल्व है। तो इन 5 के कॉम्बिनेशन से जो इनका ट्रीटमेंट हुआ, उन्हीं से इनको फ़ायदा हुआ। जो आपकी फिजियोथेरेपी है, तो इसमें क्या आपका जो ट्रीटमेंट का क्या होता है प्रोसीजर? फिजियोथेरेपी नॉर्मली अगर सिर्फ फिजियोथेरेपी करते हैं, उसमें हमारे पास कुछ इक्विपमेंट्स होते हैं जिनके थ्रू हम पेशेंट को ट्रीट करते हैं और एक्सरसाइजेस। बट अगर उसमें आप एक्वा पंचर, एक्वा प्रेशर, स्पायरल और ऑस्टियोपैथी ऐड कर देते हैं जो बोन्स और मसल से रिलेटेड हैं, जो स्पेशलाइज्ड इनकी टेक्निक्स हैं एक्वा पंचर वगैरह की, तो इसमें आप रिजल्ट्स काफ़ी जल्दी हासिल कर सकते हैं। ओके, तो अच्छा ये बताइए, जो फिजियोथेरेपी इससे हम क्या सिर्फ हड्डियों के रोगों के निदान के लिए है ये? नहीं, अगर फिजियोथेरेपी की अगर हम बात करें तो उसमें आप हड्डियों से रिलेटेड, मसल से रिलेटेड या फिर कोई किसी को ब्रेन प्रॉब्लम हो जैसे पैरालिटिक अटैक वगैरह होते हैं, आप उसमें भी किसी भी पेशेंट को हेल्प कर सकते हैं। ओके, तो जो अगर सपोज कि जैसे बुज़ुर्गों में गठिया हो जाता है, घुटनों में दर्द हो जाता है, सर्वाइकल की प्रॉब्लम्स होती है, तो उसका हम किस तरह से ट्रीटमेंट करते हैं इसमें? इसमें अगर कोई बुज़ुर्ग हैं जिनको अर्थराइटिस है, घुटनों में दर्द है, तो उनको हम अच्छे से एक्सरसाइजेस कराते हैं और कुछ पेन किलिंग मोडेलिटीज़ होती हैं वो हम लगाते हैं और अर्थराइटिस को रोक नहीं सकते, लेकिन उसको डिले ज़रूर कर देते हैं और जिससे मसल स्ट्रेंथन करा के उनको हम अच्छा कर देते हैं, चला देते हैं। डॉक्टर जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपका इतने ऊँचे मुकाम तक, इतनी ऊँची बुलंदियों तक पहुँचने के पीछे क्या राज है? देखिए, इसके लिए मैंने काफ़ी हार्डवर्क किया है। पिछले शायद 10 साल से, 1999-2000 से अब तक, 2008 में मेरा इंडियन क्रिकेट टीम में सिलेक्शन हुआ था। तब तक काफ़ी हार्डवर्क किया और हार्डवर्क अभी तक करता ही आ रहा हूँ और ऊपर वाले की कृपा है कि इतना भगवान की कृपा से थोड़ा बहुत जो सक्सेस है वो मिल गया। नहीं, जाहिर सी बात, हार्डवर्क तो पे करता है, बट साथ साथ जो आपका हमने जो प्रोग्राम का नाम भी रखा है मिरेकलस टच, तो जिस तरह से आपके जो खिलाड़ी हैं हमारे जो ऊंचे दर्जे के, लाइक सचिन तेंदुलकर, युवराज सिंह, प्रीति जिंटा, इन लोगों को भी जो आराम पहुंचा है, तो ये कितना क्विक रिजल्ट कैसे आया आपकी फिजियोथेरेपी? क्विक रिजल्ट इस वजह से क्योंकि कई टेक्निक्स हैं जो मैंने बाहर से सीखी हैं और काफ़ी सारी 8-10 अलग अलग आप कह सकते हैं, जैसे फिजियोथेरेपी, ऑस्टियोपैथी, एक्वा प्रेशर, एक्वा पंचर, काफ़ी सारी कोर्सेज मैंने किए और उन सब का फाइनली रिसर्च करके मैंने पीएचडी किया और एक हर बीमारी के अलग से मैंने कुछ खुद ट्रीटमेंट प्लान किए, जिसके लिए मुझे इटली से गोल्ड मेडल भी मिला था न्यू एज इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से। और इस वजह से रिजल्ट्स फास्ट हो गए क्योंकि मैंने सारे कॉम्बिनेशन बना दिए ट्रीटमेंट, मतलब सारी प्रॉब्लम्स के कॉम्बिनेशन। मतलब खुद आपने देखा कि प्रैक्टिकली किस किस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उसके एनालाइज करके आपने अपने ही तरह से एक अपना नया ट्रीटमेंट ईजाद किया है। डॉक्टर साहब, जो फिजियोथेरेपी है तो इससे हड्डियों के बारे में जनरली हम लोग जानते हैं कि हम हड्डियों के ट्रीटमेंट के लिए होता है, तो हम इससे हड्डियों के अलावा भी कोई ट्रीटमेंट कर सकते हैं? हड्डियों के अलावा आप अगर किसी को पैरालिटिक अटैक आ जाता है तो उसमें आप उनको एक्सरसाइज करा के चला सकते हैं। अगर किसी का विजन लॉस हो जाता है तो फिजियोथेरेपी में कई ऐसी डीप टेक्निक्स हैं जो विजन लॉस पर हम वर्क करते हैं। अगर किसी की ऑप्टिक नर्व एट्रोफी या फिर रेटिना डैमेज हो जाता है, बाकी इसका मेडिकल साइंस में फिजियोथेरेपी के अलावा कोई और मेडिकल साइंस में इसका ट्रीटमेंट ही नहीं है। फिजियोथेरेपी से आप 100% तो पेशेंट को नहीं ठीक कर सकते आँखों के, पर यह कि कुछ ना कुछ रोशनी उनको आँखों की ज़रूर वापस दे सकते हैं। मतलब फिजियोथेरेपी से आप ये कहना चाहते हैं आँखों की रोशनी भी वापस आ जाती है। चलिए, इस विषय पर हम एक नए एपिसोड में चर्चा करेंगे। सबसे पहले बताइए कि समटाइम जो होता है कि हड्डियों की और कौन कौन सी बीमारियों का हम इलाज कर सकते हैं फिजियोथेरेपी से, लाइक जैसे कई बार आप देखते हैं कि जो ओल्ड पीपल्स होते हैं उनके घुटनों में दर्द हो गया, कमर में दर्द हो गया, कंधों में दर्द होता है, तो वो कैसे ठीक हो सकता है वो? जी 100% जितना भी आर्थराइटिस, स्पॉन्डोलोसिस, अगर कोई टेयर है, मसल टेयर है या लिगामेंट भी है, पहले ये माना जाता था कि अगर किसी का स्पोर्ट्स पर्सन का या किसी का भी लिगामेंट होता है एक नी में, ACL जिसको हम बोलते हैं इंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, अगर वो टूट जाता तो सिर्फ उसकी सर्जरी ही होती थी, ऑर्थोस्कोपी। अभी भी काफ़ी लोग सर्जरी ही रेकमेंड करते हैं, बट फिजियोथेरेपी से जो मेरे खुद के ट्रीटमेंट हैं उनसे मैंने लिगामेंट विदाउट सर्जरी रिपेयर किए हैं और उसके प्रूफ हैं। पहले MRI कराया, ट्रीटमेंट के बाद MRI कराया जिसमें लिगामेंट जुड़ चुका था, और ये काफ़ी मैंने लोगों को किया, और कई इसमें बड़े सितारे भी हैं जैसे युवराज सिंह, उनका करियर लिगामेंट की इंजरी से ख़त्म होने वाला था, नी इंजरी जब उनको हुआ था उनका लिगामेंट रीग्रो कर गया। सानिया मिर्जा का रिस्ट में लिगामेंट में प्रॉब्लम था जिसके लिए उनका करियर थ्रेटनिंग था, करियर ख़त्म हो सकता था। प्रीटी जिंटा का शोल्डर में टेयर था, उनको भी डॉक्टर्स ने सर्जरी एडवाइस की थी जिससे उनकी सर्जरी बच गई इस ट्रीटमेंट के बाद। ओके, तो डॉक्टर एक बात बताइए, जैसे फिजियोथेरेपी के माध्यम से समटाइम होता है कि फ्रैक्चर हो जाता है, हेलाइन फ्रैक्चर, तो उसमें प्लास्टर बनवाना ही पड़ता है, विदाउट प्लास्टर बॉन्डिंग के नहीं हो पाता है। तो क्या फिजियोथेरेपी से अगर इस तरह का कोई फ्रैक्चर है, किस तरह का इनफैक्ट फ्रैक्चर हम उसको दूर कर सकते हैं विदाउट प्लास्टर? देखिए, अगर किसी को कोई भी फ्रैक्चर होता है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, मल्टीपल फ्रैक्चर हो या फिर स्ट्रेस फ्रैक्चर हो या हेयर लाइन, उसके लिए पहले ऑर्थोपेडिक सर्जन को कंसल्ट करना ज़रूरी है। ऑर्थोपेडिक कंसल्टेंट पहले डिसाइड करेंगे कि किस फ्रैक्चर्ड केस में सर्जरी करनी है या किस में प्लास्टर देना, वो कुछ अपने मेडिसिन देंगे। हाँ, फिजियोथेरेपी से हम ये मदद कर सकते हैं पेशेंट की, अगर किसी को मल्टीपल फ्रैक्चर और उसकी सर्जरी और रिकवरी में डॉक्टर ने बोला है कि 6 to 7 months लग जाएंगे, और साइड बाय साइड वो फिजियोथेरेपी स्टार्ट कर देता है, तो इससे उनको काफ़ी बेनिफिट है। एक तो उनका जो फ्रैक्चर है वो हाफ टाइम में ही हील हो जाएगा, अगर 6 months बोले हैं वो 2 या 3 months में ही हील हो जाएगा। सेकेंडली, जब उनका प्लास्टर खुलेगा या फिर जब वो अपना जहाँ भी फ्रैक्चर, जो भी फ्रैक्चर एरिया होगा उसको जब मूव करेंगे तो मसल स्ट्रेंथ अच्छा होगा, इससे रिकवरी बहुत फास्ट हम कर सकते हैं। मतलब रिकवरी फास्ट कर सकते हैं, मतलब वो एक अगर सपोज कि मल्टीपल फ्रैक्चर हो गया या फ्रैक्चर ज़्यादा है तो उसके लिए प्लास्टर्स वगैरह तो हमें लेने ही। प्लास्टर्स तो बहुत, जो भी ऑर्थोपेडिक सजेस्ट करते हैं सर्जरी या फिर प्लास्टर, वो बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आप फिजियोथेरेपी प्रोग्राम फॉलो कर सकते हैं। उसको एक तरह से जो स्पीड है वो फास्टर हो जाएगी क्योर होने की। डॉक्टर जी, एक चीज़ बताइए, कई बार ये होता है, हमने देखा है कि किसी को 10 साल पहले, 12 साल पहले, 15 साल पहले कोई फ्रैक्चर हुआ होता है, जिसको ट्रीटमेंट उसने लिया, सर्जरी है या प्लास्टर जो भी, उससे वो ठीक हो चुका होता है, बट सेम वहीं पे दर्द देखने को मिलता है 10 साल 12 साल बाद। फिर वो देखता है कि नहीं क्या हो रहा है, फिर हम सुनते हैं ना पुरानी चोट है हमारी, तो ये पुरानी चोट क्यों दोबारा उभर के आ जाती है? देखिए, अगर किसी को कोई फ्रैक्चर होता है जो काफ़ी पुराना है, उसके बाद उस पेशेंट ने ट्रीटमेंट भी लिया होता है, चाहे सर्जरी कराई हो या प्लास्टर, बट हमारे यहाँ हिंदुस्तान में स्पेशली ये मैंटेलिटी आप कह लीजिए है कि एक बार प्लास्टर उतर गया और डॉक्टर ने कह दिया आप ठीक हैं, तो पेशेंट अपने आप को ठीक समझना शुरू कर देता है। बट आगे जो फर्दर एडवाइस करते हैं कि आपको इसके बाद फिजियोथेरेपी प्रोग्राम फॉलो करना है या एक्सरसाइजेस, वो कोई नहीं करता, जिस वजह से जहाँ भी फ्रैक्चर होता है वो एरिया, फ्रैक्चर, हड्डी तो टूटती ही है, हड्डी टूटने के साथ हड्डी के सराउंडिंग एरिया में काफ़ी सारे सॉफ्ट टिश्यूज़ होते हैं जो डैमेज हो जाते हैं। जैसे भी मैं लिगामेंट का बता रहा था, काफ़ी सारे सॉफ्ट टिश्यूज़ डैमेज हो जाते हैं जो ऑटोमेटिकली रिपेयर नहीं होते, जिनके लिए आफ्टर फ्रैक्चर पोस्ट फिजियोथेरेपी बहुत ज़रूरी है, जो इंडिया में लोग बिल्कुल भी नहीं फॉलो करते। मतलब अगर जब प्लास्टर एक बार उतरता है तो उसके बाद जो फिजियोथेरेपी प्रोग्राम है वो फॉलो करने चाहिए, वो ज़रूर फॉलो करने चाहिए। हाँ, जाहिर सी बात, हम लोग देखते हैं समटाइम होता है कि अगर फ्रैक्चर हुआ, प्लास्टर कट गया, कहते हैं इंतजार कर रहे होते हैं प्लास्टर कट गया तो चलो फुटबॉल खेलते हैं। प्लास्टर कटने के बाद कई लोग अपनी जो देसी नुस्खे कह लीजिए वो करते हैं, कोई हल्दी में दूध बना के पी लेता है या कोई गर्म पानी का हॉट फर्मेंटेशन करता है, बट फिजियोथेरेपी प्रॉपर डॉक्टर से कोई भी नहीं जाता, क्योंकि उसे रेगुलर जाना पड़ेगा या डॉक्टर्स को बुलाना, हार्डवर्क करने को कोई तैयार नहीं होता। मित्रों, जैसा कि देखा कि जब भी आपको किसी तरह का फ्रैक्चर होता है तो उसके बाद प्लास्टर कटने के बाद जो फिजियोथेरेपी के प्रोग्राम्स हैं वो आपको ज़रूर फॉलो करने चाहिए, ताकि आपको बाद में जाके इस तरह की प्रॉब्लम्स का सामना ना करना पड़े। डॉक्टर जतिन, आप हमारे प्रोग्राम में आए और आपने इस बारे में जानकारी दी, बहुत बहुत शुक्रिया। हम नेक्स्ट प्रोग्राम में आपसे जानेंगे आई विज़न के बारे में, तब तक के लिए मैं आगे दी, नमस्कार।